बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक प्रोजेक्ट बनाने का मुझे ख्याल आया था। ये मेरे पास एक सिलिकॉन मोल्ड है, ये मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर से लिया था जहाँ से आपका सारा मटेरियल आया। ये बेसिकली बुक मार्क है। बुक मार्क के लिए आप अगर इसको बुक मार्क बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी पेपर, जैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं ये पेपर, ये जो फ्लावर बना हुआ है, इसको मैं अंदर कट करके, कटिंग करने का तरीका मैंने आपको फॉइल से बताया था। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आपने फॉइल लिया, इसको स्ट्रेच करके इस मोल्ड के ऊपर रखा ऐसे, और हल्के हाथों से यहाँ पर लाइंस दी। आप देखें, आपको यहाँ पर पूरा इसका लाइन आ जाती है। फिर आपने इसकी लाइंस को कटिंग की। जब फॉइल का कटिंग कर लेंगे, इसको फिर पेपर के ऊपर रख के कटिंग कर लें। एक टेम्पलेट बना के हर मोल्ड का साथ ही रख लें। अगर आपने पेपर कटिंग करनी है तो बार बार ये काम नहीं होता। मेरे पहले इरादा था कि मैं ये बुक मार्क बनाऊँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना चेंज कर दिया था आइडिया। इसका मेरा यह था कि इरादा कि मैं इसमें पहले रेजन डालूँगी, उसके बाद ये कटिंग करके बुक पेपर अंदर डालूँगी, और फिर बहुत भरी क्लियर रेजन की डालूँगी, क्योंकि बुक मार्क मोटा नहीं होता, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी है, इतनी इतनी है कि जब बुक अंदर ये रखा जाएगा ये पेपर, तो इतना मोटा हो जाएगा। इसका बुक मार्क बनाने का एक और तरीका भी होता है कि आप ये पेपर लें, इसकी कटिंग करें और रेजिन इसके ऊपर ही डाल दें, बजाय इसके कि आप किसी मोल्ड पर डालें। वो अब मैं नेक्स्ट अपने लेसन में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप चीज़ों को, पेपर्स को या किसी चीज़ को, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप उसके ऊपर रेजिन डाल के इस तरह से इसको प्रिजर्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। लेकिन अभी हम मोल्ड पर काम कर रहे हैं, लिहाजा मैंने सोचा था कि अभी पहले मोल्ड्स पर ही काम करूँ। तो मोल्ड लें, इसको अच्छी तरह से साफ़ करें। ये मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन होपफुली अच्छा ही होगा। अच्छी तरह से इसको, मोल्ड को साफ़ किया, ड्राई करें। अच्छा, रेजिन मैंने पहले से ही बना के रख ली थी, मैंने अभी थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है। ये मेरा 2-3 दफ़ा आपके सामने पिछले लेसन में बन चुकी हुई है, अब आपको आइडिया हो गया होगा। पर बस मैं बस चाह रही हूँ कि इसके जितने मैक्सिमम बबल्स हैं वो पहले बना के रख लें, तो बबल्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप उसी वक्त बनाए तो फिर बबल्स को ख़त्म होने में बड़ा मुश्किल लगती है। बबल्स इशू तब क्रिएट करते हैं जब मोल्ड डीप होता है। अगर गहराई में ज़्यादा मोल्ड है, डेप्थ ज़्यादा है, तो उस और बबल्स निकलना बहुत मुश्किल। बाज़ बबल्स जितने डीट होते हैं नीचे बैठे रहते हैं, उनको आपको हिलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, किसी टूथपिक से या आइसक्रीम स्टिक से ही उसको जगाते हैं, फिर वो कहीं जाके ऊपर आते हैं। लिहाजा आप इसको जब जब भी आप काम करें रेजिन का, आपने उसको थोड़ी देर तक अपने सामने रखना है कि क्या मेरे बबल्स रह तो नहीं गए। अगर अंदर से कोई बबल निकलता है, उसको फ़ौरन से उसको इसको लाइटर से या हीट गन से उसको निकाल दें। अगर वो बबल नहीं निकल रहा है तो आप उसको हिलाएं, टूथपिक से हिलाएं या किसी आइसक्रीम स्टिक से हिलाएं, ताकि वो बाहर आ जाए। अच्छा, मैंने ये रेजन डाल दी है और मुझे ख्याल ही नहीं आया कि जो मैंने इसमें डालना था, जो बिछाना था, वो मैंने कट ही नहीं किया। मेरा इरादा था कि आज मैं आपको थोड़ा फैंसी सा चाम बना के दूँ। अब चूँकि ये मैं रेजन डाल चुकी हूँ, तो अब इसको मैं एहतियात से कट कर लूँगी। टेम्पलेट बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने टेम्पलेट भी नहीं बनाया, मेरी अपनी मिस्टेक है, तो कोई मसला नहीं। हम करते हैं काम, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक नेट का पीस है, नेट ले लें आपका कप, ये देखें, अब शायद इसमें आपको इतना क्लियर नज़र ना आ रहा, ये नेट है, ठीक है ना। ये हार्ड नेट है, सॉफ्ट ले लें, हार्ड ले लें, आपका कोई नेट का सूट है वो ले लें। इनफैक्ट अब आपको कपड़े को भी बताना है कि कपड़े को कैसे प्रिजर्व करना है। तरीका वही है जो पेपर के साथ हम लोगों ने किया था, कि मॉड पॉज आपने करनी है, मॉड पॉज मस्ट करनी है, क्योंकि वो कपड़ा भी जो है ना, वो रेजिन को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अच्छा, मैंने एहतियाती तौर पर इतना पीस निकाल लिया, मुझे नहीं पता ये लेंथ में ठीक है कि नहीं ठीक है। ये काम आपने रेजिन डालने से पहले करना है। सॉरी, मेरा रह गया था, इंसान से गलती हो जाती है, मेरे से भी हो गई है। अब मैं इसकी विड्थ काटने के लिए मैंने इसको डबल कर लिया, ताकि मुझे कम से कम अभी मैं अंदाजे से ही काट रही हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, नेट को इसके ऊपर रखना है और आपने पेंसिल से इसके ऊपर निशान लगा लेना है। अच्छा, ये काट तो लिया मैंने, अब मैं ऊपर होल तकरीबन इसका बराबर हो गया, अब ऊपर मैंने होल करना है। ये मैं पंचर से ही इसको होल करूँगी, ऊपर होल आ गया, आपको वैसे नज़र हो सकता है ना आ रहा हो, ये देखिए होल भी हो गया। अब इसको होल वाली जगह पे मैं रखती हूँ और इसको दबा देती हूँ अंदर। मैं
इसको बेस को थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आप लोगों के लिए सही होगा कि नज़र आपको आ जाएगा नेट। ये देखिए मैंने नेट लिया, इसको अंदर प्रेस, आप ना भी डालें कोई मसला नहीं, लेकिन ये ग्लिटर डालने कुछ भी डालना है डालने, मुझे लगता है मेरी नेट थोड़ी बड़ी हो गई है साइड से, कोई मसला नहीं है, मैं बाद में काट लूँगी। और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से अंदर बैठती जा रही है। एक साइड से अगर बड़ी है तो हम इसको कट कर लेंगे। जो कि है मैं सीजर्स लूंगी और ये एक्स्ट्रा यहाँ से काट लेते हैं, कैंची को बाद में आप इसको अल्कोहलिक स्वाइप से साफ कर लें। वैसे भी ड्राई होने के बाद रेजिन उतर जाती है, मेटल से नहीं उतरती, लेकिन इसको आप वेट वेट को ही आप साफ साफ कर लीजिएगा। तकरीबन अंदर बैठ गई सारी, ओके। नेक्स्ट स्टेप में मैंने अब क्या करना है आपको बताते हैं। अभी यहाँ से थोड़ी एक्स्ट्रा ये कट कर लें, देखिए मैंने अल्कोहलिक स्वाब लिया और ये मैंने सीजर्स को बिल्कुल क्लीन कर लिया, साफ़ हो गई, ये बिल्कुल भी रेजर नहीं लगी रह गई, ठीक है। अब मैंने अपने बस ये ब्रोकन जैसे ब्रोच वगैरह या इयर रिंग्स होते हैं आप रह जाते हैं घर में, तो मेरे पास ये थोड़े से पीसेस थे, मैंने सोचा कि इससे आज आपको थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं कि कैसे करना है। ये मैंने एक पीस यहाँ डाला, किसी कुछ भी डिज़ाइन बना लें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थोड़ा सा मैंने नीचे डाला, उसको प्रेस कर दें, ये भी डाल दिए, उसको प्रेस कर दें, और उसको मैं थोड़ा सा बाहर निकालती हूँ, लीव्स की शक्ल इसको दे दूँ, ये बाहर भी निकल जाए कोई मसला नहीं है, ऊपर नीचे हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, ओवरलैपिंग से काम ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सेंटर में डाल दिया और ये पीस था, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये देखिए यहाँ से पर्ल इसका मिसिंग है, अब मैं थोड़ी सी रेजिन लूँगी, इसके ऊपर रेजिन डालूँगी और एक पर्ल लूँगी इसके ऊपर रख दूँ। अब आप ये देख लें कि अगर आपके पास कोई भी नग या स्टोन वगैरह निकलता है, तो हम जब उसको यूएच या किसी भी ग्लू से लगाते हैं तो उस वो फिर भी एक टाइम के बाद निकल जाता है, तो रेजिन बेस्ट ग्लू है इनको जोड़ने के लिए। अब इसके बाद मैं थोड़े से ये बड़े साइज़ का बीड है मेरे पास ये लूँगी और सॉरी यहाँ डाल दूँगी, एक और बीड लूँगी और यहाँ डाल दूँगी। मेरा मकसद है कि बॉटम मेरा हैवी हो जाए और ऊपर से लाइट हो जाए। अब दो बड़े डालूँगी और इसके बाद उसके साइड्स पे और वो जगह जहाँ पर रह गई हैं वहाँ पर छोटे बीड्स डालूंगे। कोशिश करें कि होल जो है वो नज़र ना आए, क्योंकि बीड्स के होल होते हैं वो भी नज़र भी आते हैं, इस तरह डालें कि वो होल साइड पे चले जाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक प्रोजेक्ट बनता है, इससे आप अपने इयररिंग्स भी बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं इसी तरह स्टोन्स और पर्ल्स और बीड्स के साथ। और ये उतरेगा भी नहीं, जाहिर है रेजिन के अंदर हाफ डिप हो चुके हुए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये भी उतर जाए। लाइक दिस मैं ये बीड्स ऐड करती जा रही हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे बेस हैवी चाहिए, छोटे साइज बड़े साइज स्टेप बाय स्टेप आप फॉल जाइए। बहुत इजीली अवेलेबल है, हर पेज पे मिल रहे हैं, मार्केट में भी, ये जितने भी यहाँ पर ये शॉप्स हैं जहाँ से नलकियाँ वगैरह मिलती हैं वहाँ उनके पास भी होते हैं। देखिए मैंने बेस को हैवी कर दिया और मुझे नहीं पता मैंने इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, बस मैंने जहाँ रेंडमली मैं ये चीज़ बीट ऐड करती जा रही हूँ, बस मैंने इसको
जूम कर दूँ, आपको नज़र ना आ रहा। अच्छा अब एक काम मैं करूँगी कि ये बीड्स लूँगी और इनको दूर दूर, जैसे आपका कपड़ों पे होता है, छोटे साइज के चाहिए। अब ऊपर जाएंगे तो साइज़ छोटा होता जाएगा, और ये नेट कहीं से अगर उठ रही है तो आप इसको बॉटम पे बेस पे ले जाएं। दोनों के दरमियान में इधर ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। मुश्किल नहीं है, बस आप अपने अपना माइंड इस्तेमाल करना है। और इनको मकसद ये है बताने का कि आप रेजिन से, ज़रूरी नहीं है कि आप मोल्ड्स और ट्रेज और ये सब चीज़ें कोस्टर बनाएं। बाहर तो यही चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, वो हमारा अगले लेसन में हमारा होगा। अच्छा ये थोड़ी रेजिन बची थी, मैं सोचा कि मैं पर्ल्स के ऊपर डाल दूँ, मज़ीद वो सेफ हो जाएंगे, कोई चांस नहीं रह जाएगा कि ये गिरे। होप ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आएगा, इंटरेस्टिंग सा है, और ये चीज़ें तो हर एक घर में मौजूद भी होती हैं। मैं नीचे से मज़ीद इसको हैवी करूँगी, उठा हुआ होना चाहिए मेरी जो बॉटम है। काम हमेशा एक साइड से शुरू करें और उसको फिर ऊपर की तरफ लेके जाएं, हैवी टू लाइट की तरफ ट्रेवल किया करें, बड़ा अच्छा बैलेंस होता है ये काम। ओवरडो भी नहीं करना, थोड़े लंबे बीड्स थे, ये स्टोन है, ये देखें निकल जाते हैं मोस्टली स्टोन्स बड़े आराम से आपकी ज्वेलरी में से। मैं वो यहाँ ऐड कर देती हूँ स्टिक से या टूथपिक से, इसकी शेप से ही कर लें। ये एक और स्टोन है, ये बाकी के स्टोन्स हैं। छोटा सा था मेरे पास, वो भी बीच में मैं डाल दूँगी, उल्टा हो गया इसको, अगर मैं सीधा कर लेती हूँ लाइक दिस, और देखिए स्टोन की शाइन भी खत्म नहीं होती, इसके ऊपर एक ग्लास की लेयर आ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके स्टोन्स इसके ऊपर लगे हुए जो गिरने का खतरा है, तो आप थोड़ी थोड़ी सी रेजिन ऊपर डाल दें लाइक दिस, वो आपके जो स्टोन्स हैं वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गए। सो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, और अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये ड्राई हो जाए, इसको 24 आवर्स लगेंगे। जैसे ये ड्राई होता है तो मैं आपको वीडियोस को दिखा दूँगी, इंशाल्लाह मैं आपको इसका एक क्लोज़अप दे दूँ एक सेकेंड। देखिए नीचे भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप, मैंने पहले भी बताया था कि जब आप सिलिकॉन मोल्ड को उठाते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं उठती है, जिसकी वजह से वो गिरने का खतरा होता है। ये एक चाम बना लें, कुछ बना लें, इसके ऊपर होल, ज़ाहिर है इसके ऊपर ये पार्ट है कि यहाँ पर होल हो जाए, इसको किसी भी जगह पे आप हैंग कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहें तो इट्स अ गुड थिंग। रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमने जो बनाया था लग्जरी किस्म का स्टाइलिश सा चाम, इसको मोल्ड आउट करने का टाइम है, ये बहुत ईजी था,
और इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको ये सिलिकॉन मोल्ड और इसको उतारना उससे भी ज़्यादा ईजी है। ये देखें, ये वो नेट, ये सिलिकॉन मोल्ड था, ये वो नेट का पार्ट है, यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको, ये हमारा चाम बन गया। अब इसमें मैं एक जंप रिंग ऐड कर लूँगी, जंप रिंग और उसके बाद की रिंग, तो ये मेरा किचन भी बन सकता है। कुछ भी बना लें, इसकी आपके ऊपर है कि इसको आप कहाँ पर यूज़। ये बुक मार्क यूज़ नहीं हो सकता, बेसिकली ये बुक मार्क था, लेकिन ये इतना हैवी और थिक है कि इसको आप एज अ बुक मार्क यूज़ नहीं कर सकते। ये चार में, और ये इसका रिजल्ट है आपके सामने। आई होप आपको पसंद आया होगा।